अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर तैयबा, वेलकम ईजी चैनल। तो आज आपको मैं बताऊंगी गाल ब्लैडर क्या होता है, जिसको आम जबान में पित्ता कहते हैं, और गाल ब्लैडर स्टोन, अगर गाल ब्लैडर में स्टोन हो जाए तो उसको बगैर सर्जरी के हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। आज हमारी जो वीडियो है वो गाल ब्लैडर के बारे में है, गाल ब्लैडर के बारे में है, इसकी सिम्टम्स के बारे में है, इसकी ट्रीटमेंट के बारे में है, और कुछ ऐसी मेडिसन है जिसके प्रॉपर इस्तेमाल से आप गाल ब्लैडर की सर्जरी से बच सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि सब गाल ब्लैडर क्या है। गाल ब्लैडर जो है फ्रेंड्स, ये जो लीवर के जो राइट साइड में पसलियों के नीचे, लीवर के बिल्कुल नीचे, पेंक्रियास के जस्ट ऊपर और ड्यूडेनियम के थोड़ा सा साइड में होता है। गाल ब्लैडर एक थैली की तरह की स्ट्रक्चर होती है। जो हमारा लीवर होता है वो एक किस्म की बाइल सेक्रीट करता है। वो जो बाइल होती है वो गाल ब्लैडर, जिसको आम जबान में पित्ता कहते हैं, स्टोर करता है। जो बाइल होती है वो क्या करती है, जब हम कोई फैट्स वगैरह के फूड्स इस्तेमाल करते हैं, फैटी फूड्स खाते हैं या ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तो गाल ब्लैडर से जो बाइल होती है वो हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को सही करती है, हमारी खुराक को डाइजेस्ट करने में अहम किरदार अदा करती है। तो मैं आपको बताऊँ बाइल क्या होती है। जो लीवर जो होता है इस किस्म का लीक्वर सीक्रेट करता है। उसमें क्या होता है, उसमें वाटर होता है, प्रोटीन होती है, फैट्स होता है, पिगमेंटेशंस होती हैं, वो जो है गाल ब्लैडर में स्टोर होती है। तो जब हम ज़्यादा खा लेते हैं तो जो बाइल होती है वो कॉमन डक्ट्स के ज़रिए आंतों में जाती है, और वहाँ पे जो हम डाइट लेते हैं उस पे ये प्रोसेस करती है, और हमारा डाइजेशन का जो सिस्टम होता है वो प्रॉपर रहता है। सम केसेस में ऐसा होता है कि कुछ जो सॉलिड्स होते हैं वो सॉलिड हो जाते हैं, वो हमारे गाल ब्लैडर के अंदर जमना शुरू हो जाते हैं, कुछ किस्म के जो केमिकल्स होते हैं, तो वो फिर स्टोन इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं, जिसको गाल ब्लैडर स्टोन कहते हैं या कोलीलिथिसिस कहते हैं। तो इसका आम जो है 80% पेशेंट होते हैं, इनको बिल्कुल नहीं पता चलता कि हमारे गाल ब्लैडर में स्टोन है, क्योंकि इसका कोई ख़ास किस्म की सिम्टम्स नहीं आती। बहुत कम ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको अगर गाल ब्लैडर में स्टोन हो तो उनको किसी किस्म का अटैक हो। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि जो गाल ब्लैडर की जो स्टोन होती हैं ये क्यों पैदा होती हैं। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आप गाल ब्लैडर स्टोन्स की तरफ आते हैं कि गाल ब्लैडर स्टोन्स क्यों पैदा होते हैं। ऐसी मैरिड ख्वातीन जो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं उनसे गाल ब्लैडर स्टोन पैदा हो सकते हैं, या ऐसे पेशेंट जिनकी हिस्ट्री में मलेरिया रिपीट हो, यानी कि बार बार अगर आपको मलेरिया होता है तो आप मेडिसिन लेते हो तो मलेरिया ख़त्म हो जाता है, तब भी आपको गाल ब्लैडर स्टोन आ सकते हैं। डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनमें भी गाल ब्लैडर स्टोन आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा ऑयली फूड्स खाते हैं, स्पाइसी फूड खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, तब भी आप में गाल ब्लैडर स्टोन हो सकते हैं। और गाल ब्लैडर जो स्टोन होता है उसकी क्या सिम्टम्स होती हैं, समटाइम्स आपको राइट साइड में यहाँ पे पेन होगा, और जो समटाइम्स जो पेन की रिफ्लेक्शन होती है आपको राइट साइड के यहाँ पे बैक में भी महसूस होगी, तो साथ साथ आपको वोमिट होगी, स्टार्ट हो जाएंगी वो, अगर आप ज़्यादा खाना ऑयली खा लेती हैं या रात के टाइम सोने से पहले आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर लेती हैं, तब ये उनको पैनिक अटैक आने शुरू हो जाते हैं, पेन के अटैक आने शुरू हो जाते हैं। जो पेन के अटैक होते हैं इनका दुरानिया 3 मिनट से लेके 3 घंटे तक हो सकता है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, जो पेट में पेन होती है वो आपको पेप्टिक अल्सर की सूरत में भी हो सकती है। अगर आपको लीवर की कोई फैटी लीवर है या लीवर सिरोसिस है तब भी आपको ये पेट में पेन हो सकती है। मेरी पिछली वीडियो में है, उसमें पूरी इसकी सिम्टम्स हैं। तो कभी भी आपके पेट में दर्द हो तो आप इसको नॉर्मल ना समझें, फौरी तौर पे USG अल्ट्रासाउंड करवाएं। जो ही आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो अगर आपके गाल ब्लैडर में स्टोन हुआ तो आपको इसकी इंडिकेशन हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊं गाल ब्लैडर में स्टोन कितनी टाइप के होते हैं और उनका साइज़ क्या होता है। गाल ब्लैडर में जो स्टोन होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं। हमारे गाल ब्लैडर में क्या क्या होता है, हमारे गाल ब्लैडर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो और बिलीरुबिन, इन दोनों के मिक्सचर जब आपस में या इनका मिक्सचर से स्टोन बनते हैं। लेकिन जो आम स्टोन होते हैं ज़्यादातर 80% जो स्टोन होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल के होते हैं। कुछ ऐसे स्टोन होते हैं जो के
में मिक्स जो कोलेस्ट्रॉल के नहीं होते वो पिगमेंट स्टोन होते हैं, उनमें बिलीरुबिन और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तीसरे जो स्टोन होते हैं वो मिक्स स्टोन होते हैं, उनमें कैल्शियम कार्बोनेट, पिगमेंटेशन बिलीरुबिन की और कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है। ये जो स्टोन का साइज़ है ये आम रूटीन में 2 mm से लेके गॉल ब्लैडर के साइज़ के मुताबिक होते हैं। गॉल ब्लैडर जो होता है वो एक थैली की तरह का होता है, जो बलून नहीं होता, जिसमें जो आम बलून होता है बगैर हवा के गुब्बारा, उसकी शेप का होता है। तो साइज़ में जो गॉल ब्लैडर के जो स्टोन है वो 2 mm से लेके गॉल ब्लैडर के साइज़ के भी हो सकते हैं। और जो स्टोन होते हैं ये इजीली आसानी से रिमूव भी हो जाते हैं, लेकिन आपको पता है गॉल ब्लैडर जो होता है इसमें बाइल होती है। बाइल हमारे जो फूड होता है, जो फैटी फूड होता है, उसको डाइजेस्ट करने में अहम किरदार अदा करती है। सर्जरी में क्या होता है, वो गॉल ब्लैडर को हमारे जो पार्ट ऑफ बॉडी से रिमूव कर देते हैं। जो ही रिमूव कर देते हैं तो उससे क्या होता है, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, या सम पेशेंट्स होते हैं वो अगर फैटी फूड लेंगे, स्पाइसी फूड लेंगे, तो उनकी डाइजेशन का सिस्टम ख़राब हो जाएगा। तो ये इसकी वैरायटी हो गई। अब हम आते हैं कि इसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं होम्योपैथिक में। सबसे पहले ये है कि आप अगर चाहते हैं कि गॉल ब्लैडर के स्टोन्स से हम महफूज रहें, तो सबसे पहले आप अपनी डाइट में स्पाइसी फूड का कंट्रोल करें, ऑयल कम से कम लें, आप हरी सब्जियां भी ले सकते हैं लेकिन दूध का इस्तेमाल करें, जो ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें हैं उसको कम इस्तेमाल करें। अगर आप मोटे हैं, मोटापे का शिकार हैं, तो अपना जो वेट है उसको सही रखें। अगर डायबिटिक हैं या हाइपरटेंशन है तो उसको मुकम्मल कंट्रोल में रखें। और इसके अलावा ये है कि आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, चहलकदमी करें। अब हम मेडिसिन की तरफ आते हैं कि मेडिसिन ऐसी कौन सी हैं जिनके इस्तेमाल से गॉल ब्लैडर की जो स्टोन है वो ख़त्म हो सकता है। ये कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो क्लिनिकली यूज़ करवाई, तकरीबन 70-80% जो पेशेंट्स हैं उनका गॉल ब्लैडर का जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला, बल्कि 2-3 पेशेंट जो थे उनका गॉल ब्लैडर का जो स्टोन था वो डिसॉल्व होकर निकल गया। सबसे पहले ये है कि लाइकोपोडियम है, लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में आपने लेनी है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, कुछ भी आप खाते हैं तो आपके अंदर गैसेस का रुझान होता है, आप कब्ज़ का शिकार रहते हैं और आप मेंटली काम ज़्यादा करते हैं और फिज़िकली आप जो हैं वीक हैं, मेंटली तौर पे ज़्यादा काम करते हैं किसी ऑफिस में या कोई घर में जो लेडीज़ वगैरह होती हैं, तो तब आपने लाइकोपोडियम 200 की 2 ड्रॉप्स आपने सिर्फ मॉर्निंग में लेने हैं। और जो सेकंड मेडिसन है वो है चाइना ऐसी मेडिसन है। अगर ये पित्ते में कई सम टाइम ऐसा होता है पित्ते में पथरी बार बार बन जाती है, अगर आपकी पथरी मल्टीपल पथरी भी हो सकती है, स्टोन एक स्टोन भी हो सकता है, अगर या सम केसेस में मल्टीपल स्टोन हो जाते हैं, छोटे छोटे कई स्टोन बन सकते हैं, तो जो चाइना होती है वो सबसे अहम मेडिसन है, वो बार बार जो स्टोन बनते हैं उसको रोकती है। तो चाइना 200 आपने रात को इसके 2 ड्रॉप्स लेने हैं। और अब तीसरी जो मेडिसन है वो है क्लोस्ट्रीनियम 3x। क्लोस्ट्रीनियम जो है वो ऐसी स्टोन्स जो कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं और जो मोस्टली कोलेस्ट्रॉल के स्टोन होते हैं, 80% जो स्टोन्स होते हैं गॉल ब्लैडर के वो कोलेस्ट्रॉल के होते हैं। जो क्लोस्ट्रीनियम 3x है ये आपको टैबलेट फॉर्म में मिलेगी, आपने इसकी 2 टैबलेट सुबह लेनी है, 2 दोपहर को लेनी है, 2 आपने रात को लेनी है। ये आपकी मेडिसन हो गई जिसको आपने यूज़ करना है। अब एक ऐसा कम्बिनेशन जिसको आपने अपनी रूटीन में रखना है और आपने इसको यूज़ करना है, और ये आपके जो स्टोन है इसको 90-98% आपको रिलीफ मिलेगा और आपके स्टोन डिसॉल्व हो जाएंगे। उसमें सबसे पहली जो अहम मेडिसन है वो है बर्बरस वल्गैरियस। जिस्म के किसी हिस्से में स्टोन हो, चाहे वो किडनी हो चाहे वो गॉल ब्लैडर हो, ये उसको निकालने में अहम किरदार अदा करती है। ये आपने क्यू में मदर टिंक्चर में आपने इसकी 1 शीशी लेनी है। और सेकंड जो है वो है चेलिडोनियम क्यू। चेलिडोनियम क्यू जब आपको जिगर का कोई मसला हो, फैटी लीवर हो, या आपको जिगर सा कोई भी मसला हो जिसमें हाइपेटाइटिस की वजह से भी आपका गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है, फैटी लीवर की वजह से भी गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है, और लीवर सिरोसिस की वजह से भी कोई भी आपको लीवर का मसला हो, या आप ज़्यादा खाते हैं तो आपको स्टोन पेन स्टार्ट हो जाती है, चेलिडोनियम जो है इसमें अहम किरदार अदा करती है, आपके लीवर के लिए भी, आपके गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए भी। ये भी आपने इसकी मदर टिंक्चर की एक छोटी जो है वो बोतल परचेज करनी है। जो तीसरी मेडिसन है वो कार्डक्स मार है। ये है अगर आपको स्टोन की वजह से आपके गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो जाती है, इन्फ्लामेशन की वजह से
आपको इन्फेक्शन हो जाता है और आपको पेन महसूस होती है, तब कार्डस्मार अहम करदार अदा करती है, वो भी आपने क्यू में लेनी है। ये जो तीनों मैंने मेडिसन आपको मेंशन की हैं, ये आपने इसकी मदर टिंक्चर में एक एक बोतल लेनी है। इन तीनों को आपने 90, ये 30-30 ml होता है, 90 ml बनेगा, आपने इसको 100 ml की खाली बोतल में तीनों को डाल देना है, मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके आपने इसको शेक करके रख लेना है। और आपने इसके 30 ड्रॉप जो हैं वो 1/4 कप पानी में, बग़ैर पानी के आपने कोई भी टिंक्चर कभी भी यूज़ नहीं करना, 1/4 कप जो ल्यूक वार्म वाटर होता है उसमें आपने 30 ड्रॉप्स इसके डालने हैं, जो आपने मिक्सचर ख़ुद तैयार किया है। 30 आपने इसके ड्रॉप्स सुबह लेने हैं नाश्ते के बाद, 30 ड्रॉप्स आपने इसी तरह इसके दोपहर को लेने हैं, इसी तरह आपने इसके रात को लेने हैं। ये जो तीन चारों मेडिसन हैं, ये आपने 3 माह तक मुस्तकिल तौर पे आपने इसको इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने दोबारा अपना USG यानी कि आपने अपना पेल्विक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को करवाना है, और आपने फिर देखना है कि जो मेरे के गॉल ब्लैडर में स्टोन था उनका साइज़ क्या है और वो कितने रह गए हैं। अगर आपसे आपको इनसे अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है तो आप इसको 3 माह लगातार यूज़ करें, और इसके बकायदगी के इस्तेमाल के साथ और अपने डॉक्टर से रابطہ रखें, इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और जो गॉल ब्लैडर जो स्टोन में बार बार आपके स्टोन भी नहीं बनेंगे, और नंबर 2 ये है कि आपका बग़ैर सर्जरी के आपका ये जो है स्टोन ईज़िली रिमूव हो जाएंगे। लेकिन साथ साथ आपने फिर वही है, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, आपने अपना परहेज़ करना है और आपने अपनी सेहत पर ख़ास ध्यान देना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।